हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। यार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बढ़िया से आईपीओ की अपडेट के साथ। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो हो जाइए रेडी, क्योंकि फिर से एक बार आपके लिए मौका है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का। और इस बार आपके लिए मौके पे मौका है। जी हाँ दोस्तों, 7 तारीख को एक साथ ओपन हो रहे हैं 3 आईपीओ, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको दे दी है। और इस बार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इसका भी डिटेल एनालिसिस आप इस वीडियो के अंदर चेक कर सकते हो। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करेंगे इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस, ताकि आपके लिए भी ये आसानी रहे कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति फिर से आपके लिए लाया हूँ एक बढ़िया से आईपीओ की अपडेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। जानेंगे क्या है इसकी आईपीओ के डिटेल, इसका कंपनी की प्रोफाइल, इसका फाइनेंशियल डिटेल, और जानेंगे कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। सब कुछ इस एक ही वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। और बिना वक्त गवाए स्टार्ट भी कर देते हैं इस आईपीओ का डिटेल। तो दोस्तों, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का आईपीओ जो 7 फरवरी से ओपन होगा, इसमें आप 9 फरवरी तक इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आईपीओ का साइज 570 करोड़ रुपए है, जिसमें 13 लाख से भी ज्यादा इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। इसकी फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर है और इसका प्राइस बैंड जो है वो 397 से लेकर ₹414 तय किया गया है। इसमें रिटेल कोटा 35% रिजर्व है, QIBS के लिए 50% रिजर्व है और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, ये भी मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है, जिसमें 36 शेयरों की लॉट साइज रहेगी और इसमें आपको ₹14,904 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो 12 फरवरी को आपको इसका अलॉटमेंट मिल सकता है, वही 14 फरवरी को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। अब दोस्तों, इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन पर अगर हम बात करें, तो इसका अर्निंग पर शेयर है वो 47.40 शेयर पर इक्विटी शेयर है। इसकी रिटर्न और नेटवर्क जो है वो 14.40% है और इसकी NAV यानी नेट एसेट वैल्यू जो है वो 346.45 पर इक्विटी शेयर तय किया गया है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट पर अगर हम नजर डालें, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 2,720.74 करोड़ रुपए था, वही इसका प्रॉफिट जो है वो 72.26 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रिवेन्यू 3,062.37 करोड़ रुपए था और इसका प्रॉफिट 17.47 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रिवेन्यू 3,699.88 करोड़ रुपए था, वही इसका प्रॉफिट जो है वो 222.97 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2023 के 6 महीने में ही इसका रिवेन्यू जो है वो 2,215.57 करोड़ रुपए पर है और इसका प्रॉफिट 213.22 करोड़ रुपए पर है। यानी कंपनी ने प्रॉफिट में काफ़ी बढ़ोतरी की और काफ़ी बढ़िया जंप और ग्रो इसने अपने फाइनेंस में ले लिया। इसके प्रमोटर्स के तौर पर जाना कैपिटल लिमिटेड्स और जाना होल्डिंग लिमिटेड्स को तय किया गया है। अब बात करते हैं इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स के बारे में। तो एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड को इसके लीड मैनेजर के तौर पर तय किया गया है। कैथन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इसके रजिस्ट्रार के तौर पर तय किया गया है, यानी आप आपका अलॉटमेंट जो है वो कैथन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, देखते हैं ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड क्या चल रही है। तो फिलहाल ग्रे मार्केट में आईपीओ तहलका मचा रहा है, यानी ग्रे मार्केट में अभी ₹110 पर ट्रेड कर रहा है और इसका परसेंटेज वाइज प्रीमियम चेक करें तो 27% का गेन अभी आपको इसके GMP में देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है जिस दिन आप हमारा वीडियो देखो, उस दिन इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ और ही चल रहा हो, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इसलिए डे बाय डे इसका ग्रे मार्केट चेक करना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। अब वो चेक करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की लिंक आपको दे दिया है, यानी वहां पे जाके डे बाय डे आप इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये इन्फॉर्मेशन आपको भी अच्छी लगी हो, तो अपने नियर एंड डियर को भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी आईपीओ में अप्लाई करके उनकी वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब दोस्तों, कोई भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की डिटेल्स जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस कंपनी की डिटेल्स की मैं बात करूं, तो जुलाई 2006 में निर्मित जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो मुख्य रूप से NBFC लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट
टू व्हीलर लोन्स और गोल्ड लोन प्रदान करती है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इंडिविजुअल और माइक्रो बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर और एलाइड लोन और ग्रुप लोन सहित विभिन्न अनसिक्योर लोन प्रोडक्ट भी प्रदान करती है। यानी लोन के मामले में एक कंपनी काम करती है और ये कंपनी का IPO आपके लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों, 3 IPO 7 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं, जिसके अंदर से एक IPO ये भी है। इसमें से कौन से IPO को लेकर आप एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी IPO की अपडेट जानने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।